रवि किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है? रवि किशन की फिल्मों को देखा ही हो, साथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग कौन कौन लोग देखे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए फ्री में यहाँ के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति के पास आवास हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में उन्होंने आने के बाद इस बात की घोषणा की थी और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 4 करोड़ गरीबों को, जिन्हें आजादी के बाद कभी कोई आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, उसे हर एक के सिर को ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हो पाया और आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत भी है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर के आवास खरीदना चाहते हैं। इसके लिए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गीडा में गीडा प्रशासन आगे आया है कि हम एक आवासीय सुविधा, अत्याधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय योजना यहां पर हम लागू करेंगे, जिसमें हर श्रेणी के लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए भी, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग श्रेणी में, उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा इसी औद्योगिक केंद्र में उपलब्ध हो सके। आज इस पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे लॉन्च किया गया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे गीडा में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को हृदय से बधाई देता हूं। कालेसर योजना की आवासीय योजना के साथ ही आज गीडा के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। यहां की बुनियादी सुविधाओं के लिए, अच्छी सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, सीवर लाइन बैठे, पार्क बने, इन सभी का भी आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। और साथ साथ एसटी इंटरनेशनल अपनी पैकेजिंग यूनिट को 300 करोड़ रुपए के इस नए पैकेजिंग यूनिट को यहां पर आज शिलान्यास का कार्यक्रम भी इन्होंने यहां पर आज संपन्न किया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को, यहां के उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ साथ एसडी इंटरनेशनल जो पैकेजिंग के नए ब्रांड को लेकर के आ रहा है, उसके लिए उनको भी हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, पैकेजिंग का अपना महत्व होता है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसका बाहरी आवरण अच्छा नहीं है, मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो उपभोक्ता सबसे पहले उसके बाहरी उसको देखता है और बाहरी कैसा उसने पहना है, कैसा उसने किया है। बेढंगा अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहनकर के आपके बीच आ जाएगा, क्या आप उसको सम्मान देंगे? रवि किशन की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है? पीछे रवि किशन की फिल्मों को देखा ही हो, साथ खड़ा करके बता दो एक बार, सब लोग कौन कौन लोग देखे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि अपनी कोई फिल्म का स्पेशल शो करिए फ्री में यहाँ के लोगों के लिए। कितने लोग फ्री में फिल्म देखना चाहेंगे उनके? सभी लोग तो फिल्म में देखते होंगे ना, पूरा रंग रोगन करके आते होंगे रवि किशन, उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ऐसे ही किसी वस्तु का भी होता है पैकेजिंग करना, उसको पैकेजिंग करके और वह जब सजता है लोग देखते हैं और फिर उसकी काफी ज्यादा कीमत हो जाती है। कीमत बढ़ाने में दुनिया के मार्केट में कंपटीशन में, और यहां पे एसडी इंटरनेशनल इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है। मैं एसडी इंटरनेशनल के जो प्रोप्राइटर हैं, उनके जो चेयरमैन हैं विनय अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को
हृदय से मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने गीडा में ये निवेश किया है।